नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपको पता होगा, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा के जैसे जैसे स्तर बढ़ते जाते हैं, वैसे आत्मा में या फिर उस इंसान में किस तरह से बदलाव उसके अंदर आ जा सकते हैं, और उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये आज का इसका दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने शिशु आत्मा के बारे में जानने की कोशिश की थी, आज ये दूसरा भाग है। आज हम जानने वाले हैं बाल आत्मा, मतलब शिशु आत्मा का दूसरा पड़ाव। तो चलो शुरू करते हैं हमारे आज के इस भाग को। तो दोस्तों, जो बाल आत्मा होती है वो एक होती है कि उसकी जो दूसरी सीढ़ी होती है, ये पहली सीढ़ी में हमने जानने की कोशिश की कि शिशु आत्मा किस तरह से विचार करती है, किस तरह से सोचती है, या फिर किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लेती है, उसका ये अगला पड़ाव होता है। ये जो बाल आत्मा होती है वो उन्नति का उसका दूसरा चरण शुरू होता है, मतलब उन्नति को एक थोड़ी बहुत उसकी सब शुरुआत हो रही है और वो उस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इसका जो स्वभाव होता है वो इस तरह से होता है कि वो अपनी सुरक्षा निश्चित करती है। इसको दुनिया में जीने के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वगैरह, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे, उनको पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन उनको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होती है कि पैसे के वजह से हमें वस्तुएँ मिल सकती है, हमें खाना मिल सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं पहले उनको पता नहीं होती, लेकिन जब वो थोड़े से 8-10 साल के होंगे तब उनको थोड़ी बहुत, मतलब उनको पता चलता है कि पैसे का यूज़ किस तरह से करते हैं। मतलब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे ही अपनी सुरक्षा किस तरह की होती है, जीवन किस तरह से जीना होगा, इसकी थोड़ी सी उनको कल्पना आती है बाल आत्मा को। बाद में उन्होंने कहा है कि नियम और मर्यादाओं का पालन, उनको बहुत ही चीज़ें, मतलब दुनिया के नियम उनको पहले पता नहीं होता, या फिर उनको मर्यादा भी पता नहीं होती, वो कभी भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं। तो इस तरह से मैं बच्चों के दृष्टि से ही हम अगर देखें जीवात्मा इस आत्मा की सफ़र को तो अच्छा होगा, क्योंकि क्या है कि वो सारी चीज़ें हमें डायरेक्टली हम कैच कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बच्चों का उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये जो आत्माएँ होती है तो उसका जो स्वभाव बदलता है, मैं आत्मा के स्वभाव की बात नहीं कर रहा, मैं फिर से कहता हूँ, मैंने कई वीडियो में ये बात कही थी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई एक स्तर जो आत्मा का होता है वो किस तरह से विकास करता है। मतलब जो आत्मा पृथ्वी पर आकर जन्म लेती है, वो आत्मा जिस स्तर की होगी वैसा ही वो इंसान विचार करने लगेगा। सिर्फ एक स्तर की, मतलब बाल आत्मा के स्तर के जीवन में एक इंसान के तकरीबन 10-15 जन्म भी हो सकते हैं। मतलब ऐसी बात हम नहीं कह रहे कि बाल आत्मा जो होती है वो छोटे बच्चे में होती है, या फिर बाद में जो बड़ी आत्माएँ होंगी वो इंसान बड़ा होने के बाद उसके अंदर चले, ऐसा नहीं है। ये आत्मा के जो स्वभाव है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आत्मा जिस तरह से अगर पृथ्वी पर जन्म लेती है तो उस इंसान का किस तरह से स्वभाव होगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने कहा है कि अनुशासित जीवन जीने की कोशिश होती है जितना हो सके। जब अगर हम नए समझो स्कूल में गए और वहाँ पे अनुशासन जिस तरह से चलता है, मतलब वहाँ के जो नीति नियम है अगर हमें कहे गए, तो हम जिस तरह से प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे कि मैं इस स्कूल का एक भी नियम ना तोड़ूँ, या फिर मैं अच्छे से यहाँ पर एक अच्छा विद्यार्थी बन के जीऊँ, तो इस तरह से शुरुआत होती है आत्मा की। मतलब उसको कायदे कानून वगैरह इन सारी चीज़ों को साधारण उसके सामने आ जाते हैं, और इस वजह से वो इस तरह से कोशिश करती है कि मैं अपना जीवन जीऊँ। बाद में सही और गलत की उनको पहचान होने लगती है, जो भी चीज़ें उनके सामने आती है उनको वो सही गलत ठीक समझ सकती है, या फिर उनको उन सारी चीज़ों का वो किस तरह से सामना करे, या फिर वो किस तरह से जिए इन सारी चीज़ों में, इसके बारे में कभी कभी उनको पता नहीं चलता, लेकिन सही क्या है या फिर गलत क्या है इन सारी चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं। मैं अभी फिर से आपको एक बाल बच्चे का ही उदाहरण देता हूँ कि जो बच्चा है उसको पता नहीं होता कि फंसाना क्या है, या फिर किसी को किसी तरह से मतलब धोखा देना क्या है, ये सारी चीज़ें उसको पता नहीं होती। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वो 10-12 साल का या फिर 14 साल का होएगा, तब उसको पता चल जाएगा कि किस तरह से लोग फंसाते हैं, या फिर कल मुझे इसने कहा था कि ये आज मेरा काम करेगा लेकिन आज इसने मुझे झूठ बोला। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब ये कहते हैं ना कि पृथ्वी का ज्ञान या फिर समाज का थोड़ा बहुत जो व्यवहार ज्ञान है उसको उसकी समझ थोड़ी थोड़ी बहुत आ जाती है। गलती होने पर अपराध बोध, जो आपने भी पहले सुना होगा कि जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से अच्छे होते हैं, या फिर उनका मन जो होता है वो ज़रा भी उसमें दूषित नहीं होता। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं कभी कभी तो उनको गलती करने पर बहुत ही बुरा लगता है। तो ये जो शुरुआत होती है आत्मा की, समझो कोई बाल आत्मा वाला इंसान पृथ्वी पर उसने जन्म लिया है, तो ऐसे इंसान से हाथ से अगर कुछ बुरा हो तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि वो नया है इन सारी चीज़ों में, तो उसको थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा पीड़ा हो सकती है मन में, या फिर वो थोड़ा सा उसके
लिए पश्चाताप भी कर सकता है, तो उसको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि अपने आप से कुछ गलती हो रही है या फिर इन सारी चीज़ों को उसको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से वो आगे इस तरह से बढ़ता है। जो बाल आत्मा होती है उसके बारे में आखिर में ये कहा गया है कि बाल आत्माएँ होती है वह अत्यंत परंपरावादी, नैतिकतावादी, साफ सुथरी, कट्टर, धार्मिक, पूर्णतः अनुगामी यानी मान्यताओं पे मर्यादाओं के अक्षरशः पालन करने वाली होती है। मतलब ये जो बाल आत्माएँ होती है वो कुछ भी हो जाए मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस तरह के उसके विचार होते हैं और उसी इसी राह पर वो चलने की कोशिश करती है। उसका यही मानना होता है कि मैं अपने आप में विकास करना चाहती हूँ, लेकिन ये अगर हम कहें आप यही कहेंगे कि अच्छा स्तर है वगैरह, लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में उसको भी बाद में कुछ चीज़ें वो गलत भी कर जाती है, या फिर ये बच्चे जिस तरह से बच्चे एक शुरुआती ढंग उनका जो होता है कि मैं सच्चाई के राह पर चलूँगा वगैरह, तो ये ऐसी शुरुआत है। अब ऐसा अगर कोई बच्चा सोचता और उसको वही सच होता तो उसकी ज़िंदगी में वो बुरा इंसान नहीं बनता, लेकिन हर एक इंसान के साथ साधारण ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो दुनिया के 100 तरीके जानने के बाद वो अपने आप में किस तरह से बदलाव लाता है, ये उसका मूल स्वभाव होता है। तो इसमें हमें महत्वपूर्णता है कि इसमें वो किस तरह से जीता है। तो आज का जो भाग था वो सिर्फ बाल आत्मा पर था, इसके बाद जो हमारी आत्मा का स्तर है वो युवा आत्मा का है, उसमें वो युवा आत्मा जब बनती है आत्मा तो उस तरह से वो किस तरह से विचार करता है उसके बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। आज के भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम मिलते हैं अपने अगले भाग में, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी, ये संस्था ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जितना पता है उतना मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा, तो अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन चाहिए तो मैं जितना हो सके अपने हिसाब से आपके लिए मदद करने की कोशिश करूँगा, तो आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।